नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। भाजपा बिलासपुर सदर मंडल ग्राम केंद्र का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग पंजगाई में संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में भाजपा प्रदेश महामंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तिलोक जामवाल, विधायक सुभाष ठाकुर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। त्रिलोक जमवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आप सब ने इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को 3-3 बार विधानसभा भेजा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को केंद्र में सांसद चुनकर भेजा और अब सुभाष ठाकुर को विधानसभा भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हमारी पार्टी की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण भाग है और इन प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली से की थी और अब प्रदेश, जिला के बाद मंडल में बूथ स्तर तक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा करने में अग्रिम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 7 मोर्चे और 29 प्रकोष्ठ प्रदेश में काम करते हैं, जिसके माध्यम से भाजपा का हर वर्ग में कार्यकर्ता है। हमारे संगठन की रचना इतनी सुदृढ़ है कि बिलासपुर सदर में 2022 में एक बार फिर कमल खिलेगा। नाम हंसराज ठाकुर, मैं भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल का ये तीसरा और अंतिम ग्राम केंद्रों का अभ्यास वर्ग है। इससे पहले 2 अभ्यास वर्ग हुए, पहला 6 तारीख को कल्याणा में हुआ था, दूसरा बिलासपुर में हुआ। आज ये अंतिम सत्र है और इस जो आज का अभ्यास वर्ग है, इसमें जो हमारा रूपरेखा थी, इसमें जो प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र था, इसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार बड़े भाई त्रिलोक जमवाल जी, जिन्होंने अपना बूथ सबसे मजबूत और चुनाव प्रबंधन में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बड़े सौभाग्य की बात है कि त्रिलोक जमवाल जी आज हमारे इस दूसरे अभ्यास वर्ग में भी हम सबका मार्गदर्शन के लिए करने के लिए पहुँचे। और इसके पश्चात हमारे जो प्रदेश की सचिव बहन डॉक्टर सीमा ठाकुर जी है, उनका सत्र दूसरा सत्र रहने वाला है और वो हम सबका जो हमारे प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं परियोजना है, उन पे हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। और अंतिम सत्र में माननीय विधायक महोदय जो समारोह सत्र है, उसमें विस्तृत रूप से सदर की और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ, उन पर हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। इन ये जो हमारे सदर मंडल का जो अभ्यास वर्ग हुए, मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के साथ साथ मैं अपने जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और जो भी सरकार की उपलब्धियां थी, योजनाएं थी, हम सबको उनके बारे में ज्ञान दिया, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रदेश के लिए ये बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं चला रखी है, जिससे लोगों का भला होगा। और मैं निश्चित तौर पे एक बात कह सकता हूँ, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे निश्चित तौर पर ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2022 में पुनः हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सदर से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जीत के जाएगा। धन्यवाद। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।